आप जानते हो कि ऐसे आइलैंड जहाँ पर हजारों के तादाद पर खरगोश ही खरगोश पाए जाते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जापान के ओकोनोशिमा आइलैंड एक ऐसे आइलैंड है जहाँ खरगोशों की संख्या हर किसी को हैरान कर देती है। इस आइलैंड पर खरगोशों की तादाद ज्यादा होने की वजह से इसे रैबिट आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड के रैबिट की संख्या को लेकर दो कहानियां बताई जाती है। पहली कहानी कुछ ऐसे है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी आर्मी ने इस जगह को केमिकल हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। 1929 से 1945 के बीच जापानी आर्मी ने गुप्त रूप से करीब 6000 टन जहरीली गैस बनाई थी। उसी गैस को टेस्ट करने के लिए यहाँ खरगोशों को लाया गया था, लेकिन समय समय के साथ खरगोशों की संख्या बढ़ती रही और आज यहाँ उनकी संख्या हजारों में है। 1971 में कुछ स्कूली बच्चे इस आइलैंड पर अपने साथ कुछ 87 खरगोश लेकर आए थे। उन्हें खरगोशों की संख्या आज बढ़कर हजारों में पहुंच गई। खरगोशों की संख्या के बढ़ने की एक वजह उनका शिकार ना होना। रैबिट आइलैंड पर कुत्ते और बिल्लियों को लेने पर उनका बैन लगाया गया है। अब ये आइलैंड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। पूरी दुनिया से लोग इन सभी खरगोशों को देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलते हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।